जिले में 25 और 26 अक्टूबर को 19 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए कुछ स्थानों पर रूट डायवर्जन किया गया है। भर्ती परीक्षा के संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया कि जिले के 19 केंद्रों पर 3 पालियों में परीक्षा संचालित की जाएगी, जिसको देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। रेलवे स्टेशन बस स्टेशनों पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया, पुलिस भर्ती परीक्षा है, ये 25 और 26 तारीख को पुलिस भर्ती परीक्षा है, जहाँ यहाँ पर 3 पालियों में एग्जाम होंगे और लगभग 19 सेंटर्स हैं जो कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में। इस संदर्भ के अंदर हमारे यहाँ पे जो ड्यूटीज़ लगाई गई, डिफरेंट सेट ऑफ ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहले तो सेंटर के ऊपर एज ऑब्जर्वर ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, उसके बाद जो पेपर्स ले जाने हैं और उनको वापस जमा कराना है उसकी ड्यूटी, साथ ही साथ जो जोनल अधिकारी के रूप में अधिकारी रहेंगे उनकी ड्यूटीज़। तो ये सारी ड्यूटीज़ हम लोग किस तरह से लग गई। इसके अलावा जो सेंटर्स हैं उनके नोडल अधिकारियों के साथ जो मीटिंग्स हैं, और जो जो उस दिन हम लोग का ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि बाहर से लोग बाग आएंगे और हर शिफ्ट में काफ़ी भीड़ होगी, तो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक और सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट, तो मेन हमारे जो बस स्टैंड्स हैं और जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास, ये सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस संदर्भ में पुलिस की जो ब्रीफिंग है वो भी जो है कल होगी, और लगातार हम लोग के अधिकारी परीक्षा के दौरान और परीक्षा के जस्ट पहले भी राउंड पे रहेंगे। सर, विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह VIP भी लोग आएंगे उसके लिए? जी, वो एक उसकी सेट ऑफ ड्यूटी सेपरेट होगा, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि कहीं पर भी किसी प्रकार की जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी प्रकार के जो VIP मूवमेंट हैं या उसमें ओवरलैपिंग ना हो, और सेट ऑफ ड्यूटीज़ में अलग अलग हों, और दोनों प्रोग्राम सुव्यवस्थित तरीके से रहेंगे।